वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है x - 3 / (x + 3 = x + 3 / (x - 3 = 2)^2 पहले क्वेश्चन 17 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है x - 3 / (x + 3 = (x - 3 = 2)^2 ठीक है। अब फ्रेंड्स ये प्लस है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ प्लस, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा x + 3 और इधर लिखा x - 3, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 और तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो जाएगा प्लस x + 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 × 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? अगर आप इसकी देखिए x - 3 का होल स्क्वायर, दिस इज a - b का होल स्क्वायर एंड दैट इज व्हाट a² + b² - 2ab। और ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। और ये देखिए क्या बन रहा है x + 3 x - 3। रिमेंबर एक फॉर्मूला होता है a² - b² और वो होता है a + b और a - b, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू है हमारी a और यहाँ पे 3 हो जाएगी b। तो इफ यू सॉल्व दिस विल बिकम x² - 6x + 9 + x² + 6x + 9 और नीचे क्या हो जाएगा a² - b² मतलब x² + 3 का स्क्वायर मतलब 9 एंड ये जो इक्वेशन है ये मेरी हो जाती है इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूँ 5/2 के, ठीक है। ये इधर लिखना था बट वही बात हुई 5/2 = दिस थिंग, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना? x² - 6x + 9 कैसे आया? हमने सिंपल सा a² + b² - 2ab लगाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² और x² ये हो जाएगा 2x² प्लस ये 6x और ये 6x कट गया, फिर क्या बचा 9 और 9, तो ये हो जाएगा 18 और नीचे क्या हो जाएगा x² - 9 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 5/2, ठीक। ये हो गया। अब सिंपल सा है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो दिस विल बिकम, आप 2 को इधर सॉल्व कर लाइए और x² - 9 को ऊपर लाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5x² - 45 = 4x² + 36, ठीक। अब ये जितना भी है राइट हैंड साइड का वो सब लेफ्ट हैंड साइड पे ला करके =0 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x² - 45 - 4x² - 36 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x² - 4x², ठीक है। 5x² में से माइनस आपने अगर 4x² माइनस कर दिए तो ये क्या हो जाएगा x² - 45 और - 36, ये क्या हो जाएगा 81 = 0, ठीक है। चलिए इसको आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। x² - 81 = 0। तो इक्वेशन 3 x² - 81 = 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए याद करिए कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। एक फार्मूला जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जिसमें था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 9 एक और x माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 0। मतलब x प्लस 9 अगर हम लोग लेते हैं इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9, और अगर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 9 और दूसरी हो जाएगी माइनस 9 एंड दैट इज योर आंसर नंबर 17।